देश भर में कोरोना वैक्सीन ड्राई रन टीकाकरण के लिए सुविधा सेंटर स्थापित किए गए। इसी क्रम में खरगोन जिले के जिला अस्पताल में भी ड्राई रन टीका सेंटर शुरू किया गया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से आम जन गत एक वर्ष से परेशान है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ने आम जन को बीमारी से निजात दिलाने की पहल करके कोविड-19 ड्राई रन टीकाकरण सेंटर स्थापित करने के ट्रायल दिया, जो सफल रहा। इस दौरान CMHO रजनी डावर ने बताया कि आमजन को बीमारी से निजात दिलाने के लिए सफल प्रयास किया है और आने वाले दिनों में आमजन को निश्चित तौर पर बीमारी से निजात मिलेगी। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। हमारा आज का ड्राई रन था और जिसमें कि जैसे अभी सभी जानते हैं कि पहला फर्स्ट रूप जो है हमारा, मतलब इसमें केवल जो है हेल्थ केयर वर्कर को लिया गया है और जो एक ऐप बनाया गया है कोविन ऐप, और उसके तहत उनके पास मैसेज आता है और उस मैसेज के आधार पर वो संस्था पे आते हैं जहाँ फैसिलिटी बुक की गई है। अभी हमने मतलब ड्राई रन में हमने ये लिया है तीन फैसिलिटी, एक है हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल, एक जिला चिकित्सालय और एक हमारा CSC है हमारी बरू। और जो इसमें ये है कि जहाँ पे तीन रूम सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें कि एक को हमने आइडेंटिफाई करके रखा है कि वेटिंग रूम के रूप में, और दूसरा है वैक्सीनेटर के रूप में, और तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन के रूप में कि जहाँ ऑब्जर्व। पांच वैक्सीनेटर ऑफिसर्स होते हैं जो ये सब तीनों रूम में काम करते हैं। और जैसे एक जहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाता है वहाँ पे जो कोविन ऐप के द्वारा, मतलब जो संबंधित आता अपना आईडी लेके उसको वेरीफाई किया जाएगा तब उसका वैक्सीनेशन होगा, और उसको यस और नो करके फिर उसमें देना पड़ता है, ऐप में देना पड़ता है ताकि मालूम हो जाता है कि वो लग गया उसे। और यदि बाई द वे जैसे किसी को कोई ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे तक के वेट, मतलब 30 मिनट्स तक के वेट कराया जाता है कि ऑब्जर्वेशन में रखकर, और जब कर लेता है तब यदि बाई द वे किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि अभी आपने देखा है, तो उसे तत्काल में वहाँ पे डॉक्टर रहेंगे, वो देखेंगे, यदि उन्हें ऐसा लगता है तो उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पे उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके लिए सभी को क्या लगता है, क्या लगता है कामयाब होगा क्या पहले? बिल्कुल, हमारे जो है जैसे कि अभी आपने देखा कि बरूड से अस्पताल में लेके आया गया है उसे, और उसे तत्काल यहाँ पे वार्ड में ओपीडी से इसको इमरजेंसी से उसको वार्ड में शिफ्ट किया गया है, तत्काल डॉक्टर के द्वारा देखा गया है, स्टाफ है कि अपनी सर्विसेज दी है, हमारे पास पूरी किट हर जगह व्यवस्थित रखी हुई है, तो यही चीज़ें हमें अपनाना है और हम देख रहे हैं कि हमारे स्टाफ इसके लिए काफ़ी अच्छा कर रहा है। पेशेंट का नाम क्या है जिसको? पटेल। लक्ष्य कितना है जिले भर में अपने इसका वैक्सीन का? कितना करीब है? 9,654 बेनिफिशरी अभी प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने लोग काम कर रहे हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.